ओके हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर संजीत कुमार। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इट इज अनएथिकल प्रैक्टिस। अनएथिकल, अगर एथिक्स के खिलाफ जा रहे हैं तो अनएथिकल प्रैक्टिस हो, तो अनएथिकल प्रैक्टिस करने पे उसको डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, ठीक है। एनी डिसग्रेसफुल और डिसऑनरेबल एक्ट डन बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर दैट वुड रेंडर हिज और हर लायबिलिटी फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन, तो इट इज अनएथिकल प्रैक्टिस। तो वार्निंग नोटिस, सभी डॉक्टर को वार्निंग नोटिस मिलता है इसमें, ठीक है। वार्निंग नोटिस में क्या है, लिस्ट ऑफ इन फेमस कंडक्ट गिवन टू ऑल डॉक्टर, जो लिस्ट है इसका, लिस्ट इन फेमस कंडक्ट का क्या क्या नहीं करना चाहिए, गिवन टू ऑल डॉक्टर्स, ठीक है, सभी को मिलता है लिस्ट। प्रेजेंट इन स्टेट मेडिकल काउंसिल, स्टेट मेडिकल काउंसिल से मिल गई, स्टेट मेडिकल काउंसिल, एंड लिस्ट इज इनकम्प्लीट, क्योंकि ये धीरे धीरे इसमें और ऐड होता जा रहा, तो इनकम्प्लीट लिस्ट है ये, लिस्ट आगे बताएंगे। तो वार्निंग नोटिस, लिस्ट ऑफ इन फेमस कंडक्ट गिवन टू ऑल डॉक्टर्स, और कहाँ से मिलेगा, स्टेट मेडिकल काउंसिल SMC, और लिस्ट इज इनकम्प्लीट। इन फेमस कंडक्ट का लिस्ट, सबसे पहले एडल्ट्री, तो इलीगल अगर सेक्सुअल रिलेशन हो रहा है पेशेंट के साथ तो एडल्ट्री नहीं होना चाहिए। ये लिस्ट जो है, जो मतलब नहीं होना चाहिए, डॉक्टर को नहीं करना चाहिए, उसका लिस्ट है। अगर इसको वायलेट कर रहे हैं तब वो इन फेमस कंडक्ट में आएगा। तो इन फेमस कंडक्ट के लिए लिस्ट क्या है, एडल्ट्री नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन, अगर कोई अनस्किल्ड पर्सन है, अनक्वालिफाइड पर्सन है, उससे अगर ऑपरेशन करा रहे हैं तो ये एसोसिएशन, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए उसका। एडिक्शन, किसी टाइप का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, ड्रग्स लेकर के ऑपरेशन नहीं करना है, या कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, मतलब इलीगल एबॉर्शन नहीं करना है, ठीक है। MTP अलग है, जो टर्मिनेशन मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो होता है वो लीगल है। अल्कोहल, कोई भी ऑपरेशन के टाइम पे या फिर किसी भी मतलब पेशेंट को देखते समय अल्कोहल नहीं लेना है। एडवर्टीजमेंट, जो बड़ा सा बोर्ड जगह मार्केट में जगह जगह पे जो बोर्ड लगा रहता है बड़ा सा डॉक्टर का, वो नहीं कराना है, मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। बस डॉक्टर अगर हॉस्पिटल खोल रखा है तो अगर उसको कहीं छुट्टी पे जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो उसके लिए छोटा सा साइन अपने बोर्ड पे ही लगा सकता है कि इस डेट से इस डेट पे छुट्टी पे जाने वाला। लेकिन बड़ा बड़ा जो बोर्ड लगता है कि ये डिग्री किए हुए हैं, और रोड पे जो बड़ा सा पोस्टर के साथ फ़ी स्ट्रक्चर के साथ कि क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, क्या ऑपरेशन का फ़ी है, ये सब एडवर्टीजमेंट नहीं करना, तो डॉक्टर का एडवर्टीजमेंट भी नहीं है। तो 6A है, एडल्ट्री, एसोसिएशन, एडिक्शन, एबॉर्शन, अल्कोहल और एडवर्टीजमेंट। ब्राइबरी, घूस नहीं लेना है, ये घूस हो गया, घूस नहीं लेना है। C4, सब ABCD से, C4 कवरिंग और कमीशन। कवरिंग कमीशन किसको बोलते हैं, जैसे अनस्किल्ड पर्सन है और अनक्वालिफाइड पर्सन है, वो ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद रिलेटिव का डेथ हो गया या कोई भी मिसहैप हो रहा है, तो उसका रिलेटिव अगर केस करता है तो इसको बचाना नहीं है। मतलब जिसने अनस्किल पर्सन अगर ऑपरेशन किया है और डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, कवर कर रहा है उसको, है ना, कवर कर रहा अगर, तो कवरिंग में आया, तो कवर नहीं करना है उसको, तो कवरिंग हो गया कमीशन। डाइकोटोमी, D4 डाइकोटोमी, डाइकोटोमी क्या होता है, फी स्प्लिटिंग, मतलब कमीशन जो लेते हैं, जैसे आता फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट इशू, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट भी फॉल्स अगर इशू कर रहे हैं तो वो भी अनइथिकल होगा, इन फेमस कंडक्ट में आएगा। गिफ्ट एक्सेप्टेंस, G4 गिफ्ट एक्सेप्टेंस, अगर गिफ्ट भी ले रहे हैं किसी MR से तो वो भी इन फेमस कंडक्ट है, तो गिफ्ट भी नहीं लेना है, गिफ्ट एक्सेप्टेंस। देन है रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट ऑन रिलीजियस ग्राउंड पे, अगर ट्रीट नहीं कर रहे हैं रिलीजियस ग्राउंड पे, जैसे अगर हिंदू डॉक्टर है मुस्लिम को ट्रीट नहीं कर रहा है, मुस्लिम डॉक्टर है हिंदू को ट्रीट नहीं कर रहा है, तो इस तरह से रिफ्यूज कर रहे हैं अगर ट्रीटमेंट रिलीजियस ग्राउंड पे, तो वो भी इन फेमस कंडक्ट में आएगा। देन फेलियर टू मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ हिज IPD पेशेंट फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, अगर IPD पेशेंट है उसका 3 साल तक रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, ठीक है, अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ये अगर कोर्ट में मांगा जाएगा तो 72 आवर्स के अंदर ये इसका डिटेल कोर्ट को देना होता है। अगर रिकॉर्ड अगर नहीं रखे 3 साल तक, और 3 साल के अंदर अगर केस हो रहा है तो रिकॉर्ड नहीं हमारे पास है, तो हम 72 आवर्स के अंदर उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो 72 आवर्स का एक ड्यूरेशन होता है, जब कोर्ट अगर किसी पेशेंट के बारे में डिटेल मांग रहा है तो उसको 72 आवर्स के अंदर सबमिट करना होता है। तो अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो, और 3 साल के लिए है, अगर 3 साल के बाद केस होता है तो उसमें कुछ डॉक्टर को नहीं होने वाला, लेकिन अगर 3 साल के अंदर केस हो रहा है तो रिकॉर्ड रखना जरूरी है। IPD पेशेंट का, खास करके जो पेशेंट को एडमिट किया जाता है, तो वो पेशेंट का रिकॉर्ड रखना है, और अगर कोर्ट अगर मांगता है तो उसको 72 आवर्स के अंदर प्रोड्यूस करना है वहाँ पे। देन फेलियर टू डिस्प्ले हिज रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, अगर प्रिस्क्रिप्शन पे ही उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, जो SMC और MCI का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो उस पर प्रिस्क्रिप्शन पे डिस्प्ले होना चाहिए, अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो वो गलत है।
तो इनफेमस में आ जाएगा वो। डिस्क्लोजिंग सीक्रेट्स ऑफ हिज पेशेंट टू अदर एक्सेप्ट व्हेन बाउंड बाय लॉ, अगर किसी पेशेंट का सीक्रेट को हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, किसी पेशेंट का सीक्रेट को डिस्क्लोज कर रहे हैं किसी अदर से, है ना, पेशेंट टू द अदर, तो वो भी इनफेमस कंडक्ट आएगा। लेकिन अगर कोर्ट अगर मांगती है उसके बारे में, उसका डिटेल मांग रहा है, तो हम कोर्ट को दे सकते हैं, कोर्ट को हम उसके बारे में बता सकते हैं, पेशेंट का जो भी सीक्रेट है उसको हम कोर्ट को बता सकते हैं, लेकिन किसी अदर पीपल को नहीं बताएंगे, तो ये डिस्क्लोज हो जाएगा वो। तो ये डिस्क्लोजिंग ऑफ सीक्रेट ये भी आता है इनफेमस कंडक्ट में। तो कितना हो गया, 6A हो गया, एडल्ट्री, एसोसिएशन, एडिक्शन, एबोर्शन, अल्कोहल, एडवर्टीजमेंट, देन एक बी बराबरी हो गया, सी फॉर कवरिंग ऑफ कमीशन, डी फॉर डाइकोटोमी, ए फॉर फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट इशू, जी फॉर गिफ्ट एक्सेप्टेंस, डिमेंट ऑफ रिलीजियस ग्राउंड, देन मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ फॉर 3 years, देन फेलियर टू डिस्प्ले हिज रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन प्रिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्लोजिंग सीक्रेट ऑफ हिज पेशेंट टू अदर एक्सेप्ट बाउंड बाई लॉ कंडक्ट हो रहा है अगर, तो उसका पनिशमेंट क्या है? तो पनिशमेंट सबसे पहले क्या है, वार्निंग नोटिस मिलेगा। जो डॉक्टर अगर इनफेमस कंडक्ट कर रहा है और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो रहा है वहाँ पे, अगर उस पर अगर इंक्वायरी बैठता है, सबसे पहले इस पर वार्निंग नोटिस जाएगा उस पर। फिर भी अगर रिपीट कर रहा है वो, तो रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द स्टेट मेडिकल रजिस्टर, SMR, स्टेट मेडिकल रजिस्टर जो होता है, वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वहाँ से उसको रिमूव कर देंगे, उस नाम से हटा देंगे, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द स्टेट मेडिकल रजिस्टर, स्टेट मेडिकल रजिस्टर से उसका नाम हटा देंगे। तो ये जो नाम हटाते हैं वो क्या है, टेम्प्ररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। टेम्प्ररी कुछ समय के लिए रहेगा, फिर उसको मिल जाए, तो वो टेम्प्ररी। परमानेंट अगर बार बार वो कर रहा है या कुछ ऐसा इनफेमस कंडक्ट कर रहा है, अनएथिकल प्रैक्टिस इस तरह से कर रहा है और रेगुलर कर रहा है, तो परमानेंट उसका अगर इरेजर हो रहा नहीं, परमानेंट अगर नाम इरेजर हो गया, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस क्या होगा, कैपिटल पनिशमेंट होता है। डेथ सेंटेंस प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस मतलब वो ही इज नो मोर डॉक्टर एट ऑल, सेंटेंस हो गया, वो अब डॉक्टर रहेगा ही नहीं। तो अगर इस तरह से अगर डेथ सेंटेंस मिला है उसको, या फिर रजिस्टर से नेम नाम हटाया जा रहा है स्टेट मेडिकल रजिस्टर से, तो डॉक्टर अपील कहाँ कर सकता है, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जाकर के वो अप्रोच कर सकता है, अपील कर सकता है। यहाँ अपील करेगा सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या काम है, वो MCI को फॉरवर्ड कर देगा। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री क्या अगर फॉरवर्ड कर रहा है किसके लिए, MCI के पास। अब MCI जो है फाइनल डिसीजन लेगा, ये MCI जो है फाइनल डिसीजन लेगा, आप मतलब पनिशमेंट कितना देना है, क्या देना है, तो ये डिसाइड करेगा MCI। पहले तो वार्निंग नोटिस मिलेगा, वार्निंग नोटिस से भी नहीं अगर संभला, तो फिर नेम को रिमूव करेंगे स्टेट मेडिकल रजिस्टर से, और वो टेम्प्ररी या परमानेंट हो सकता है। परमानेंट अगर हुआ तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस। तो डॉक्टर क्या करेगा, अपील करेगा सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री पे, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री जाए फॉरवर्ड करेगा केस को MCI के पास, और MCI भी फाइनल डिसीजन लेगा इस पर। तो दिस इज ऑल अबाउट इनफेमस कंडक्ट और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ओके, थैंक यू।